अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। देखो तो फिर से मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए बिल्कुल नए नॉवल को, जिसका नाम है आज किया। ये तो हम इसका एपिसोड 1 पढ़ेंगे आज, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो वो पढ़ते हैं इस आज वाले एपिसोड को। लेकिन आपने करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक, पूरे को पूरा नॉवल आप हासिल कर सकते हैं, वो भी अभी के अभी। तब हम पढ़ते हैं हमारे आज वाले एपिसोड को। मोहा कहाँ पर है, प्लीज़ जल्दी बताएं। अफरा तफरी के माहौल में जहाँ पर मेहमानों का रश लगा हुआ था, वहीं एक खूबसूरत नौजवान सफ़ेद रंग के कुर्ते पर लाल रंग के वास्केट को पहने अपनी माँ से मुखातिब हुआ। बेटा वो तैयार हो रही होगी, लेकिन तुम सवाल करने के बजाय काम पर ही थोड़ा ध्यान दे दो। आज शाम है, जानते हो ना, तुम और हाथ पहले बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो धूमधाम से शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, कोई काम ठीक वक्त पर ना हो पाएगा। मैं जानता हूँ एरजोहान है ना, वो सब देख तो रहा है। आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, क्योंकि सबसे पहले मैं ही दानिया को देखूँ, ये वादा किया है इससे। और अगर अब ऐसा ना कर सका तो नाराज़ हो जाएगी वो और मुझसे। आखिर रोहम ने अपनी असली मकसद बता ही दिया। अच्छा जी, तो ये बात है बेटा, अगर सबसे पहले ना भी देखो तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी, लेकिन तुम कहाँ सुनोगे मेरी चाह। और दानिया से कह भी देना कि जल्दी बाहर आ जाए, हाथ कब से पूछ रहा है इसके बारे में। ओके मॉम, कहे वो ज़ोर से गले लगता थैंक यू कहे तेज़ी से सीढ़ियों को चढ़े ऊपर की जानब जाने लगा। आखिर वादा किया था इसने अपने बचपन की मोहब्बत से, तो हमेशा की तरह पूरा वो किए बगैर कैसे रह सकता था। आखिर अपनी 23 साल जिंदगी में ऐसी कोई सुबह ना आई थी जिसमें इसने अपने दिन का आगाज तानिया के बगैर किसी और को देख कर किया हो। तानिया के कमरे के करीब पहुँचता इसने दरवाजे को नोक किया। अपने बाल जो कि पेशानी पर गिरे हुए थे को थोड़ा सेट करता दरवाजे के खुलने का इंतज़ार करने लगा। एक मरतबा फिर से वह दरवाजे को थोड़ा और ज़ोर से नोक किया, लेकिन दोबारा इसे दरवाजे को बजाने पर वह दरवाज़ा जो कि अनलॉक था खुद ब खुद ही खुल गया। जिसे देख रहा हूँ हंसता हुआ लगता है मेरी दानी ने पहले से सब सोच रखा है। मुस्कुराहट के हमरा दरवाजे को खोले कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन इसकी मुस्कुराहट 2 सेकंड्स में तब गायब हुई जब रहा कमरे में एक और शख्स जो कि शेरवानी को पहने खड़ा दाने से बात करने में मसरूफ था को देखा। कमरे में रोहन को आते देख लाल रंग की खूबसूरत फ्राक में बिल्कुल किसी गुड़िया की मानी लड़की जो कि इस कमरे में मौजूद इस शख्स के सिर्फ कांधे जितनी ही थी मुस्कुराते हुए, रोहन इधर आओ जल्दी। दाने के सब बकाने पर वो 2 कदम और चले इनके करीब आ गया। रोहम यार अच्छा हुआ तुम आ गए। अच्छा तुम सच सच बताना कि मुझ पर ये शेरवानी कैसे लग रही है यार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं थोड़ा ओवर लग रहा हूँ। लेकिन दानिया मैडम कब से झूठी तारीफें किए जा रही हैं। हाथ जो कि रोहम को देख किससे सवाल करने लगा। अल्लाह हाथ भाई, आप मुझे झूठी तो ना कहीं, जानते हैं ना आपकी मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, और आज भी आप कसम से इतने हैंडसम लग रहे हैं कि क्या बताऊँ। दानिया जो कि फ़ौरन से अपनी सफाई पेश करना शुरू हो चुकी थी कि बात को सुने हाथ भी एक तरफा मुस्कुराहट हंसता। अच्छा तो क्या मैं रोहम से भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ। हाथ के इस किस्म के सवाल पर रोहम दानिया की जानब देखने लगा, क्योंकि वो इस बात से तो बखूबी वाकिफ था कि दानिया की नज़रों में इससे बढ़कर कोई और हसीन हो ही नहीं सकता। हाँ हाथ भाई, आज तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, इस बंदर से भी ज़्यादा। रोहम के सर पर हाथ मारती वो हंसते हुए हाथ की तारीफ करने लगी। अच्छा तो बंदरिया तुम क्या लग रही हो, रोहम भी इसके हाथ के बकड़े फ़ौरन से बोला। मैं तो शहजादी लग रही हूँ, क्योंकि भाई हाथ की तरफ देखते ही वो अपनी ही तारीफ कर गई। हाँ बिल्कुल, अगर दुनिया में सबसे हसीन और इस वक्त लग सकता है तो तुम हो। हाँ बिल्कुल, अगर मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन लग सकता हूँ तो तुम पहले से ही इतनी खूबसूरत हो। नहीं भाई, ये हसीन तो बिल्कुल नहीं लग रही, बल्कि आज इतना जो मेकअप करवाया है इसने चुड़ैल लग रही है भूतनी। रोहम जो कि मजाक कर रहा था, लेकिन गलती से इसे दानिया की पकड़ी बाजों को दबा दिया, जिसके बाद इसकी चूड़ी टूटकर दानिया की बाजों पर लग गई। दर्द के बाद ताने चीखते अपनी बाजू रोहम के हाथ से छुड़वाते देखने लगी, जहाँ से खून निकलने लगा था। दानिया के अपनी वजह से खून निकलने पर रोहन बौखलाता, सॉरी दानी, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। आखिर वो अपने
सबसे अनमोल कज़न मोहब्बत को कैसे तकलीफ पहुँचा सकता था। लेकिन दानिया इसे पहले कुछ बोलती, हाँ ने गुस्से से रोहन के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। क्या बच्चा है तो हर वक्त शरारती सोचती रहती है, उम्र देख अपनी कितना खून निकल है दानिया के दिल तो करते हैं मुँह तोड़ दूँ इसका। एक और मरतबा वो रोहन को मारने लगा के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दानिया से रोकती है, भाई प्लीज़ आप इतना गुस्सा क्यों करें, गलती से लग गई, इसमें रोहन का क्या कसूर, ये चूड़ियाँ ही बेकार हैं। दानिया को बुरा लगा कि हाँ ने रोहम को बिला वजह थप्पड़ मार दिया। रोहम जो कि हाथ की इज्जत करता था बदले में कुछ भी ना बोला। दानिया इसकी ही गलती है, खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो सकी, इसी वजह से चोट लगा दी, तुम बैठो मैं पट्टी कर देता हूँ। हाथ जो कि इस वक्त बेहद गुस्सा था दानिया को बैट पर बिठाता फर्स्ट एयर बॉक्स ड्रामे से निकाले पट्टी करने लगा। रोहम गुस्से से दानिया की जानी देखता कि इसने इसके साथ नाली कमरे से बाहर चला गया। भाई आप रहने थे, आप जाएँ, सब आपके इंतज़ार कर रहे होंगे, आके दुल्हे आप, आज निकाह है आपका, मैं कर लूँगी, आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, वो अपनी वजह से आज हाथ का स्पेशल दिन हर किस ख़राब ना करना चाहती थी, इसी वजह से वो हाथ को यहाँ से जाने की बात करने लगी। तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं, माथे पर बल डाले जो कि हमेशा से ही पड़े रहते थे क्योंकि हाथ हर वक्त गुस्से में ही रहा करता था, सवाल तब जब वो दानिया के साथ हो। लेकिन अब जब रोहम की वजह से दानिया के चोट लगी, इस वजह से वो एक बार फिर से गुस्सा होना शुरू हो गया। दानिया अब बड़े हो चुके हैं हम, बेशक हम कज़न हैं, लेकिन ये रोहम हर वक्त क्यों तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, थोड़ा डिस्टेंस रखा करो तुम अपने और इसके दरमियान। हाथ के शायद रोहम ईमान की वजह से पसंद आ था क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी कि फिशान की बीवी इसकी पीटी आंटी बने, लेकिन किस्मत में तो शायद कुछ और ही था, इस वजह से वो रोहम से पहले दिन से नफरत करता। भाई हम आज के दिन ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अब दुल्हन आप भी सोचेंगी कि मैं इनके दुल्हन मियाँ को भगा के ले गई हूँ। दानिया हंसती मौजू को तब्दील करती बोली, जिससे सुन हाथ भी हल्का सा मुस्कुराए, तो समझने दो जो समझना है किसी को, वैसे ये प्लान भी बुरा नहीं है, भाग चलते हैं यहाँ से। हाथ के जवाब पर वो कहका लगाई हंसती, अच्छा जी तो आप रह लेंगे अपनी दुल्हन के बगैर, चले ना भाई, बाजू से पकड़े वो हाथ को खड़ा करके अपने साथ जाने का कहा। हाँ ठीक है चलते हैं, लेकिन तुम इतनी अपनी बाजू को ज़्यादा काम में मत लाओ, पहले जख्मी हो गया मेरी ज़िंदगी के, इतने बड़े दिन में भी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को चोट लग गई, इस बात का दुख मुझे बहुत रहेगा, हाथ धनिया के साथ चलते नीचे जाते हुए बोला। अल्लाह हाथ भाई आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी इतनी भी फिक्र मत किया करें, हाथ को एक तरफा गले लगाती वो प्यार से बोले। हाथ इससे पहले कि कुछ बोलता उसी आवाज़ लगाया, खूबसूरत तो शीशा इसके पास है, बेटा तुम दोनों यहाँ पर क्या करें, बाहर सब इंतज़ार करें, और दानिया तुम आज तो हादी को छोड़ दो, शादी है इसके नाए जो कि दोनों के करीब आती, इनसे बोली। मोम हाथ भाई ने मुझे बातों में लगाया हुआ था, आप खुद ही पूछ लें इनसे, दानिया भी सहजाम हाथ पर लगाती हुई नाए से बोली। जानती हो अपने बेटे को, वो तो बहुत ही समझदार है, लेकिन तुमने ही इसे बातों में उलझा दिया होगा, माशाल्लाह नज़रें बस से बचाएं, अपनी आँख से गाजर को अपनी उंगली पर लगाई वो हाथ के कान के पीछे लगाती प्यार से बोली। जिसे देख हाथ हंसता हुआ, थैंक यू पीटी आंटी, बाय द वे आज तो काफ़ी सख्त मुकाबला हो चुका क्योंकि अब मैं मॉम को देखूँ या बेटी को, क्योंकि कसम से दोनों ही बहुत हसीन लग रही हैं। शरारते तुम अपनी बेगम को देखो क्योंकि वो आज सबसे सब पर भारी पड़ने वाली है, हल्के से कान का मरोड़ती है, नायक जल्दी से इसे अपने साथ जाने का कहने लगी। अभी दो कदम ही वो चले थे कि हाशी शदीद गुस्से में हाथ का नाम पुकारे इसके करीब आने लगा, जिसे देखो तीनों सहम से गए क्योंकि हाशी के गुस्से से आके सभी अच्छी तरीके से वाकिफ थे। हाशी जी आप पहले मेरी बात सुने, अनायत जो कि हाशी को गुस्सा करने की वजह पहले से ही जानती थी इसे समझाने लगी। अनायत तुम तो खामोश रहो, तो बेवा को बच्चा है, लेकिन यहाँ सब बड़ों की अकल भी क्या घास से निकली चली गई, इस खानदान की बेटी को अपने घर की इज्जत बना रहा है, ये वो जिनकी है से तुम्हारे मुलाजमीन जितनी है, अपना ही तो कम अज़ कम हमारी इज्जत का ही ख्याल रख लिया होता, बाहर जाकर देखो सब मजाक बना रहे हैं हमारा, अब ऐसे भी कौन से हीरे मोती जड़े हुए थे इस लड़की में जो तू अंधा हो गया और शादी ही करने लगा। हाशिर इस वक्त शदीद गुस्से में था, इसी जैसे कुछ भी बोले जाए, प्रीटी आंटी आपसे कहा था मैंने कि मुझे धूमधाम से शादी नहीं करनी क्योंकि अपनी फैमिली की छोटी सोच को जानता हूँ मैं, यहाँ लोगों को पैसे के ज़रिए पहचाना जाता है, हाथ भी हाशिर की बजाय नाए से बात करने लगा। क्या बकवास की तूने, अपने पाँव पर खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे तो तुम
तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, वो आम सी शक्ल की लड़की दो दिन में दंग रह जाओगे इस लड़की से। तुम इसके फैमिली बाप की दुकान है, अभी कुछ अर्सा पहले वो शहर शिफ्ट हुए किसी छोटे से गांव से, वो भी पंजाब के। इनके और हमारे म्यार में कितना फ़र्क है जानते भी हो आशी, जो कि अभी भी पैसों को लेकर आ चुका था। शायद इसकी नज़र में पैसे सब कुछ होता है, चाहे फिर वो जैसे भी कमाया हो। मुझे इस लड़की से शादी करनी है ना कि इसकी फैमिली से, एंड आप ये बात भी जानते कि 5 साल पहले ही मैंने अपना घर ले लिया था और वहीं पर ही रहता हूँ। तो आप फिर अब भी अपने वाइफ के साथ वहीं पर ही रहूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी होगी। और जो लोग बातें करें इन्हें भी संभाल लेता हूँ। हाथ का गुस्सा तो बहुत है, लेकिन वो हाशी से तो मेज़ के साथ बात के नीचे जाने लगा। हाथी रुको, अब क्या हमारी बच्ची कुछ इज्जत को भी गंवाना चाहते हो लड़ाई झगड़ा करके? फर्स्ट, मेरा नाम हाद है, सो डोंट कॉल मी हाथी। एंड सेकंड, ऐसे रिश्तेदार या जानने वाले मुझे हरगिज़ नहीं चाहिए जो पीठ पीछे मुझे ही बकवास करें। आप जाकर निकालेंगे इन्हें यहाँ से, या फिर मैं निकालूँ इन्हें अपने तरीके से? हाँ, जो कि हर बात पर रोने लगता था, लेकिन अपने वालदैन को अपनी नज़रों के सामने मरते देखने जाने क्या हो गया था इसे, जो अपनी तकलीफ और खाकों को क्यों जाहिर करता। ये लड़का सुधर ही नहीं सकता, ना तुम ही समझाओ इसे। और अगर शादी करनी ही है तो आ जाए नीचे, वरना मुझे तो पहले से ही ये रिश्ते पसंद नहीं है। हाशिर भी अपना गुस्सा दिखा नीचे चला गया, लेकिन इसके पीछे ही हाथ भी जाने वाला था। लेकिन अनायती से वहां से पकड़ती, प्लीज़ हाथी, तुम कोई तमाशा मत करना प्लीज़। मैं थक चुकी हूँ, ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कम मौके मिले हैं मुझे खुश होने के लिए, और इनमें भी एक आज का दिन भी है। तो प्लीज़ तुम आज कुछ भी ऐसा मत करना। और इसे समझाने लगी दाने, जो कि पहले से इस तरह के माहौल से डरती थी, सहमी से छुपी सादे साइड पर खड़ी थी। ओके, मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ, दिनाई की बात भला कैसे टाल सकता था, जिसे सुन अनायत इसके हाथ को पकड़े चुमती, शुक्रिया मेरी जान, कहीं अपने साथी से नीचे ले गए। इस शादी में दो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिनमें शुमार मलिक साहब और हाशिर का था। बेशक वो एक दूसरे से भी बात ना करते थे, लेकिन दुल्हन और इसकी फैमिली को देख देख कर अंदर ही अंदर अपने गुस्से को दबाए जाए। तो आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। ये बेहतरीन किस्म का नॉवल आप हासिल कर सकते हैं, वो भी अभी के